फाइनली हम मोरनी हिल्स में पहुंच गए। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, हमने कैंपर वैन को यहाँ पे पार्किंग में, जो एक बिल्कुल सेफ एरिया है, यहाँ पे हमने पार्किंग में अपनी कैंपर वैन को लगा दिया। जो यहाँ के ओनर हैं, पीछे होटल आप देख भी पा रहे होंगे, इनकी पार्किंग है ये, विद परमिशन हमने इसको लगा दिया है। और बिल्कुल एकदम नेचुरल जो हमारा वो होता ना सीन, मतलब जिस चीज़ के लिए हम निकलते हैं, वो सारा सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिल देख सकते हैं पीछे आप। अभी थोड़ा सा इधर कैमरा घुमाना भाई एक बार। ये देखो, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, जो नेचर का व्यू है वो ले सकते हो। और इसमें यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो, जितने ज़्यादा कस्टमर हैं सभी आते हैं, है ना। और दूर तक जहाँ तक भी अब उधर अमित एक बार उधर हाँ देखो, वहाँ पे अभी क्या कि हम थोड़ा सा मिस हो गए और हमने टाइम को मिस कर दिया। वहाँ हमने सभी सनसेट का इतना गजब का नज़ारा था वहाँ पे, कि सन पहाड़ियों के नीचे जा रहा था, तो हमने गाड़ी पार्क की तब तक वो लग गया मुझे गाड़ी पार्क की तब तक सन नीचे गया। चलो कोई नहीं, हम मॉर्निंग में उस व्यू को आपको ज़रूर दिखाएंगे। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी जो कैंपर वैन है हमारी, हमने उसको यहाँ पे पार्क किया हुआ है। और अमित एक बार कैमरा आगे लेके आना, अब मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे फैसिलिटी चीज़ क्या क्या है, कि आप नाइट स्टे में करोगे तो आपको क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि फैसिलिटीज सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ओइंग है, हम इसको ओइंग एरिया बोलते हैं। इसमें क्या रहेगा कि हम इसको यहाँ से खोलते हैं, पहले इधर से खोल दिया, इधर से ऑलरेडी खुला हुआ है, और इसकी जो जीप है मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये ओइंग का क्या है कि इसको हम एज ए टेंट यूज कर सकते हैं। वैसे हमारे पास में अलग से भी सेपरेट टेंट भी है, अगर किसी को सेपरेट अगर लगा सकते हैं तो वो टेंट टाइप वो अलग भी है। बट क्या है कि इसको, अरे अंदर भी है, इसको चलो फाड़ दे। हाँ, ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पैरासूट का जो कपड़ा होता है उससे जो हमारा ओइंग है वो बनाया गया है। ये ओइंग मैंने सेट कर दिया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास में किचन में क्या क्या है। कि हम अगर हम मान लो हम ऐसे जगह पे हमने पार्किंग में अपना स्टे कर लिया है, जहाँ पे आसपास में हमारे पास में कुछ लेने की खाने की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। अब मैं आपको किचन दिखाता हूँ। मेरे पास किचन का सामान दिखाने से पहले मैं आपको चेयर टेबल का कुछ सेटअप है मेरे पास में वो दिखा देता हूँ, ताकि मैं जो किचन का जो सामान है मैं निकाल के उसको रख सकता हूँ। एक मिनट, चेक इट आउट। देखो कितना लाइट वेट है, बिल्कुल पोर्टेबल है। अभी मैं इसको ना ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से इसको ओपन किया, इसमें क्या रहेगा, ये एक हमारा सेंटर टेबल बन जाएगा। और ये चार चेयर्स का सेट रहेगा। मैं ये ओपन कर लेता हूँ, नीचे से लगा, ये एकदम से लाइट वेट है और बिल्कुल पोर्टेबल है, लाइट वेट बिल्कुल, कहीं भी इसको उठा सकते हैं। हम ये चेयर क्योंकि जैसा ये चार चेयर हैं और कैंपर में ये 4% की जगह है, दिखाता हूँ आपको किचन यानी पेंट्री में मेरे पास में क्या क्या रहता है। ये मैंने यहाँ पे चाबी पहले ही लगाया हुआ है, इसको मैं खोल लेता हूँ। ये मेरा किचन है, देखते हैं क्या क्या है। वाओ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चाय बनाने के लिए मेरे पास में पैन है, ये हो गया शुगर, चाय पत्ती, और ये बिरयानी बना सकते हैं इसमें, कुछ भी हम जो अपना खाने का है वो बना सकते हैं इसके लिए, इसके लिए मिट्टी पर यूज़ करेंगे। बेड्स, एग्स, और ये, अच्छा ये जो हमारा गैस का स्टोव होता है, छोटा जो पोर्टेबल स्टोव है, ये उसके लिए है हमारे, उसको इसको मैं यूज़ इसका बाद में बताऊँगा। ये चाय के लिए कप, ओके, एक पोर्शन और भी है और उसमें देखते हैं क्या है। अमित जी एक बार कैमरा थोड़ा जूम करना। अरे वाह, वेरी गुड। जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें मैगी है, स्नैक्स हैं, बिस्किट्स हैं, फ्रूटीज हैं, और ये हमारा गैस स्टोव है। जैसे मैंने सिलेंडर एक एक चीज़ को, ये
डिफरेंट डिफरेंट जो आपके मील्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप इसमें जो पोर्टेबल जो आपको लगता है आप उसके हिसाब से इसमें रख सकते हैं। हाँ, ये रस्क हैं, बिस्किट्स हैं, स्नैक्स, मसाला, बिस्किट्स हैं, ये बिस्किट्स हैं। और ये इस तरह का आपको एक पोर्टेबल रैक या फिर इसको आप अपने हिसाब से कुछ भी कह सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ में रख सकते हैं। ये आपका ये है नेस्ले का एवरीडे का डेयरी क्रीमर, यानी चाय बनाने के लिए आपको जैसे एज ए मिल्क इसको यूज़ करेंगे। और ये मेरा सूप हो गया, टमाटो सूप। और ये मेरा इमली सॉस, एक टू पॉपकॉर्न, एंड दिस वन, ये मसाला ओट्स है। साथ में अगर आपके जैसे बच्चे भी आते हैं किड्स आते हैं तो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ये भी रख सकते हैं। इसमें रियल का जूस है और फ्रूटी, टी बैग्स। हाँ, एक अच्छी बात ये लगी मुझे, हर चीज़ यहाँ पे ब्रांडेड है। शुगर, शुगर फ्री शुगर, ओके, मैं इसको एक साइड रख देता हूँ। अरे वाह, कितना भर भर के दिया कंपनी ने। ये बहुत सारी मैगी हैं, स्नैक्स हैं, बिस्किट्स हैं, कुकीज़। एक और देखिए इसमें क्या है, कहाँ से खुलेगा ये। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मसाला इसमें आपको मिलेंगे, आप जो भी आप फूड आइटम बनाएंगे उनमें डालने के लिए है। एक तरफ रख देता हूँ। ये हो गया आपका अटेंशन्स का दिया हुआ है, बाकी ओह ये ब्रेड को अगर आपने गर्म करना है, फ्राई करना है, ये ऑमलेट बनाने के लिए। चाय बनाई है तो चाय को छानने के लिए है, चक्कू दिया हुआ है, ये तो बड़े स्पून दिए हुए हैं, पलटा भी है, पलटा क्या बोलते हैं इसको, ये टोस्ट, आई थिंक टोस्ट को रखने के लिए है। और ये एक और चाकू है, एक ये सब्जी वगैरह कुछ डालने के लिए है, और भी है मुझे लग रहा है कुछ और भी है इसमें। वाह, ये आपका चम्मच है, पीलर है, काटे हैं। और इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि पूरा किचन आप अपने साथ लेके चले हुए यहाँ पे, तो जो आपको किचन की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है सारी की सारी आपको यहाँ पे आप पूरी कर सकते हैं। और इनके अलावा भी अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए होता है तो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम। दिखाए थे और मैं आपको अब वो पोर्टेबल चूल्हा दिखाता हूँ, स्टोव। अरे वाह, वेरी नाइस। ये चूल्हा है, ऑन ऑफ करने का दिया हुआ है, पहले ऑफ करो इसको। ये तो ऑफ किया हुआ है, ऑफ है, अब ये दबाओ नीचे, प्रेस करो ये। हाँ, इसको ये लो, अब ऑन करो, करो 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 पूरा। अरे वाह, मतलब इसका क्या है कि अगर आपके पास में माचिस नहीं है तो ये अपने आप इसमें पूरा सेट का सेट है, जैसे कि देख रहे हैं। मैं इसको वापस ऑफ कर देता हूँ।